हेमंत सरकार की अगुवाई में आज सरकार ने पूरे किए 3 वर्ष। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीपक प्रकाश की अगुवाई में हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने झूठ भ्रष्टाचार के 3 वर्ष बताए। इन दिनों झारखंड में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जहां जहां सरकार को घेरा जा सकता है उसका एक नमूना दिखाया। इन लोगों ने सभी समाचारों का संकलन किया और हल्ला बोले। आइए दिखाते हैं उन्होंने किस तरह संकलन किया समाचारों का और कैसे इस सरकार को भ्रष्टाचारी और झूठा बताया। सिमडेगा में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। कोनेबिरा इलाके में ग्रामीणों ने संजय प्रधान की पहले जमकर पिटाई की, फिर जिंदा जला दिया। इस दौरान संजय की पत्नी और भाई गड़गड़ाते रहे, संजय को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस बेबस नजर आई। पुलिस कह रहे थे झारखंड में भारत माता का अपमान करना मानो ट्रेंड बन गया है। हेमंत सोरेन के राज्य में जहर की तरह पाकिस्तान के प्यादे फैल गए हैं। परिवार को पैसे का लालच देकर और अंधविश्वास का जाल फैलाकर धर्मांतरण कर रहे को। जॉब देने का मन है या नहीं है यहाँ के लोग को,
हल्के मिले रहा जनता उसको हल्के मिलेगा अब हेमंत सोरेन को समझे मल्टी गेंडर है ईयर डिसाइड करे ना ईयर क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हेमंत सोरेन ईयर डिसाइड कीजिए ना जी आप ईयर कहीं नहीं डिसाइड कर रहे हैं एक ईयर या खतियानी कीजिए 91 सर्वे 91 कीजिए 64 कीजिए 32 कीजिए आप कुछ नहीं कर सकते आप बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं हेमंत सोरेन जो है ना कुछ नहीं कर रहा है खाली बेवकूफ बना रहा है हम लोग यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं कितना दिन पढ़ेंगे कि आप लोग मुर्गी पालिए अंडा पालिए गाय वगैरह की तो सुअर पालिए तो हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग किसान के बच्चे हैं तो हम लोग बस खेत भी नहीं है कि हम लोग पाल सके अगर वो इतना ही कह रहे हैं तो जीएसएससी का ऑफिस है वो खाली करें हम लोग वहाँ पे जाके पालेंगे क्योंकि उनके पिताजी शेबू सोरेन ने अरबों की संपत्ति रख दी है हमारे माँ बाप किसान है अनाज बेच कर हम लोगों को पढ़ाते हैं लड़की लोग हैं लड़की लोग टाइम भी ज्यादा नहीं मिलता हम लोग पेरेंट्स भी बोलते शादी करो तो शादी नहीं करना हम लोग इतना पढ़े हैं तो हम लोग जब ग्रेजुएट हो जाते हैं ना तो घर से पैसा मांगने में भी शर्म आता है अल्लाह शिक्षा मंत्री मूर्ख मंत्री दसवां फाइल बोलो कि जो युवा का बीत रहा है तो बीत रहा है नियुक्ति नहीं तो अगली बार आपकी सरकार झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर से 19 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए अवैध खनन के मामले में शुक्रवार को जब ईडी ने पूजा सिंघल के देश भर में 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे तो कई राज सामने आए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अवैध खनन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है झारखंड में एक्शन ईडी हेमंत सोरेन के करीबी के घर छापे मारे माफिया लोग बालू माफिया लोग झलवाड़ और जामपुरा बॉर्डर के बीच बालू उतार रहे हैं देखिए किस तरह से बालू माफिया लोग बालू तस्करी करके बाजार भेजते हैं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल की हालत दयनीय हो चुकी है
रोशन करने का वादा आज भी अधूरा है। सरकार गठन के 2 साल बाद भी आदिवासी मूलवासी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। झारखंड में बिजली संकट से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। कम बिजली आपूर्ति की वजह से 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है, खासकर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सबसे ज्यादा बिजली की कटौती की जाती है। हटिया ग्रिड में 130 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि पिक आवर में 40 से 70 मेगावाट बिजली कम आपूर्ति हो पा रही है। दुमका जिला के गोपीकंदर प्रखंड के अमलादही गांव के बंडियर टोला में पेयजल संकट से लोग त्रस्त हैं। लोग करीब 1.5 किलोमीटर दूर के जर्जर कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं। अनाज कैसे मिलेगा जिसे पक होती है? झारखंड के गरीब परिवारों के लोग पिछले 4 महीने से जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, पर वो अनाज इनकी रसोई तक नहीं पहुंच पा रहा। मीडिया कर्मी को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हृदय के गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। आने वाले 9 वर्ष के लिए भी मैं शुभकामना आप सब लोगों को देना चाहता हूं। बीते वर्ष में आप सब लोगों ने लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में आपने काम किया, इसलिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। अभी हम सब लोगों ने कुछ झलकियां जो हमारे सोशल मीडिया के द्वारा बनाई गई थी राज्य के कुशासन के संदर्भ में, उसका आप सब लोगों ने विजुअल देखने का काम किया। वास्तव में वो सिर्फ झलकियां थी। वास्तविकता तो जमीनी जो धरातल पर है वह तो भयावक है दोस्तों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब आरोप पत्र बनाने के लिए बैठी कमेटी, तो अपार मुद्दे, इतने मुद्दे कि छोटी सी दस्तावेज में उसको समावेश नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि आज का जो आरोप पत्र है ये जनता की अभिव्यक्ति का की आवाज है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर सदन पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। 3 साल लूट झूठ और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार, लंबे समय से मैं राजनीतिक जीवन में हूं लेकिन ऐसी सरकार हमने नहीं देखा था, ना झारखंड की 3.5 करोड़ जनता देखी। दुर्भाग्य है, मैं अखबारों में कल आज सुबह पढ़ रहा था मुख्यमंत्री जी का कुछ विचार अखबारों के माध्यम से आया है, उसे मैं पढ़ रहा था। कह रहे थे कोरोना के कालखंड के चलते मैं पूरी तरह से अपने आप को जनता के बीच में काम करने का अवसर नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, पूरे दुनिया में कोरोना आया है, पूरे देश में आया है, और इसी कोरोना के कालखंड में
भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था का डंका बजाने का काम किया है। कोरोना के काल में छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऑनलाइन की परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुए बल्कि सर्वोत्तम रिजल्ट देने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोरोना के कालखंड में स्वयं स्वीकार किए कि मैं असफल हो गया, मैं फेल हो गया। छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के बच्चे, आपके बच्चे ऑनलाइन की परीक्षा दे रहे थे, ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे थे, सब अच्छे रिजल्ट कर देने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके पास तो सारी सुविधाएं थी। उसके बाद में आप पूरी तरह से झारखंड की जनता की नजरों में फेल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कल कहा कि सेंट्रल एजेंसी का कन्विक्शन रेट कम है, शायद ज्ञान नहीं है कि सीबीआई का 67% कन्विक्शन रेट में सफलता का है। उनके जानकार उनको बता नहीं रहे हैं कि 0.5% की जो आपके बात ईडी की कह रहे हैं, आप 0.5 की श्रेणी में हैं। मुझे तो इस बात का खुशी होता कि मुख्यमंत्री जी कल अपने बयान में कन्वेक्शन रेट से ज्यादा परफॉर्मेंस रेट के बारे में चर्चा कर कहते कि 3 वर्ष में यह राज्य की सरकार क्या क्या की है, आगे क्या क्या करने जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से इस राज्य में जो शासन करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व है, आरजेडी के जो नेतृत्व है, वो विजनलेस है। पूरी तरह से सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई। स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, राज्य संपोषित भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार को लाभान्वित करने का काम लीज प्रकरण में झारखंड की जनता ने देखा है। उनके इर्द गिर्द जितने सागिर्द हैं, वो सागिर्द आज जेल में हैं। मुख्यमंत्री जी, थोड़ा आज 3 साल हो गया, थोड़ा ये बताने का कष्ट कीजिए कि पंकज मिश्रा से आपके कौन से संबंध रहे हैं। आपको यह बताना पड़ेगा कि पूजा सिंघल का जो फाइल आपके टेबल में पड़ा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का, उसको आपने क्यों रोक के रखा है। आपको बताना पड़ेगा अमित अग्रवाल नाम का शख्सियत कौन है और उसके साथ आपके क्या संबंध है। जो अमित अग्रवाल के पास संपत्ति है, वो संपत्ति झारखंड से लूट करके तो नहीं बना है, इसका भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। दुर्भाग्य है आज केवल ऊपर ही नहीं, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग के, भारत में सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं हुआ है तो इस राज्य में हुआ है। नौकरशाह को खुली छूट दी गई है कमाने के लिए, और कमा करके उसकी अवैध कमाई में हिस्सेदार कौन बन रहा है, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। इसलिए तो ब्लॉक से लेकर के सीओ ऑफिस तक से लेकर के थाने तक भ्रष्टाचार की परम प्रकाष्ठा पहुंची हुई है। और क्यों पहुंची है मुख्यमंत्री जी, इसका भी थोड़ा उल्लेख करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि शराब के मामले में भारत झारखंड की सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, इसका दोषी कौन है, कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी है,
कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी जो शराब माफिया के रूप में यहाँ पर आकर के झारखंड के राजस्व को कम करने का काम किया, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कोयले की लूट की छूट, और जो गरीब बेचारा आज घर बनाने के लिए संकट के क्षण में बैठा हुआ है बालू के कारण, बालू प्राप्त नहीं हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बालू खुलेआम बिकती थी, और आज कालाबाजारी से गांव का गरीब भी अगर घर बनाना चाहता है तो उसको कालाबाजारी से बालू लेना पड़ता है, बालू लेना पड़ता है। प्रकृति प्रदत्त जो चीजें झारखंड को मिली है, चाहे वो पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो जिसको हम कहते हैं, इन सारे चीजों को खनिज संपदा हो, पूरी तरह से लूटने और लुटवाने वाला काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने मिलजुल कर किया। हम प्रकृति के पूजक हैं, झारखंड भी है, लेकिन अवैध कटाई हो रही है वनों की, अवैध खनिज संपदा की खुदाई हो रही है, और ये पहली बार हो रहा है कि तस्करी झारखंड से बाहर विदेश में किए जा रहे हैं, बांग्लादेश तक भेजे जा रहे हैं। बाकी मेरे दोस्तों, आज तो कहने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन समय का अभाव आपके पास है, मेरे पास है, इसलिए संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये राज्य में आर्थिक अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। इस राशि में बजट जो उपबंध है, उस उपबंध में खर्चे नहीं किए जाते हैं, बल्कि महंगी गाड़ियों का काफला मुख्यमंत्री जी के लिए, मंत्रियों के बड़े बड़े घरों के निर्माण के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारी सरकार थी तो महिला सशक्तिकरण के लेके, रघुवर दास की सरकार थी तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक रुपया में लाखों रुपए की रजिस्ट्री होती थी। आप सब जानते हैं किसानों की हालत, समय पर वर्षा नहीं होने के कारण आज वो संकट में है, आपदा का संकट है किसानों को। और वैसे समय में पिछली सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा भेजे गए वार्षिक 6,000 के अलावा 6,000 रुपया देने का काम करती थी, लेकिन ये सरकार किसानों के साथ कुठाराघात करते हुए, किसानों के हक और हुकूक को छीनते हुए 6,000 जो राज्य की सरकार, जो हमारी सरकार देती थी, उसको भी वापस करने का काम राज्य की सरकार ने किया। तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। नौजवानों के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में, आपने 5 साल पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया था, और आपने दिखाया, कहा था कि हम हर प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। आज लाखों की बात तो छोड़ दीजिए, हजारों की बात तो छोड़ दीजिए, सैकड़ों में भी आपने नौकरी देने का काम नहीं किया। और जो जिस आधार पर यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, झारखंड में रहने वाले लोगों को नौकरी मिलने के लिए नियोजन नीति था, उसको भी आपने राजनीतिकरण करते हुए सब आपने इस प्रकार का काम किया कि आज इस राज्य में कोई नियोजन नीति नहीं है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य का, आप 1932 की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, और उस आधार पर नियोजन नीति की बात करते हैं, शेड्यूल 9 में भेजने का आप काम करते हैं, पूरी तरह से झारखंड की जनता को दिभ्रमित करने का आप काम कर रहे हैं। आप सब कोई जानते हैं कि 2000 बाबूलाल मरांडी जी की सरकार ने जब इसी आधार पर नियोजन नीति लाने का काम किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकराने का काम किया, आज आप उसी का, अरे स्वराज्य की सरकार के पास, मुख्यमंत्री के जी के पास, सरकार के पास, उनके मंत्रिमंडल के पास ये अधिकार है कि स्थानीय नीति स्वयं बनाए और नियोजन नीति बना करके आप राज्य में लागू कर सकते हैं। शेड्यूल 9 में भेज करके आप जलेबी की तरह राजनीति करने, जलेबी बनाने की तरह से राजनीति करने का काम कर। झारखंड की जनता आपसे ज़्यादा तेज और चलाक है, समझदार है,
वह जानती है कि ये राजनीति किया जा रहा है, यहाँ के लोगों के साथ बेइंसाफी किया जा रहा है। अरे आप में हिम्मत है तो आप स्वयं यहाँ पर स्थानीय नीति बनाइए, नियोजन नीति बनाइए और कल से नौकरियों का अंबार लगाने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में तो ये इरादा ही नहीं है नौजवानों के साथ कुठाराघात करने का काम किया। लेकिन युवा जब जागता है सड़कों पर युवाओं का जिस प्रकार से आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है, ये आने वाले समय में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। पिछड़े समाज की बात की चिंता मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप पिछड़ा विरोधी हैं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपकी सरकार को चुनौती मैं देना चाहता हूं कि आप पिछड़ा विरोधी हैं। आपके सरकार के नेतृत्व में यहां पर पंचायतों के चुनाव हुए थे, आपने पिछड़े समाज के अधिकार को और हकूक के उसके 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 अधिकारों को आपने छीनने का काम किया। अब बिना आरक्षण के आपने पिछड़े समाज के आरक्षण के बिना आपने पंचायत के चुनाव कराने का काम किया था। अरे सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्णय कि आपको ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए एक आयोग का गठन करना पड़ेगा, कमिटी का गठन करना पड़ेगा। जिन जिन राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए वहां पर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से चीजों को जांचने के बाद परखने के बाद वहां पर चुनाव हुए। आपने तो पंचायत के चुनाव में पिछड़े समाज का अधिकार को वंचित करने का काम किया। उतना ही नहीं, नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले थे उसमें भी आपने यही काम करने का संकल्प लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, सड़कों पर उतर करके आपके जो चेहरे पे नकाब था उसको उतारने का काम किया। मुख्यमंत्री जी आपके यहां तो पिछड़ा आयोग भी है, क्यों नहीं पिछड़ा आयोग गठित किया आपने? अरे पिछड़ा समाज का कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा पिछड़े समाज कांग्रेस के समय में दबे और कुचले थे, आज पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो पिछड़ा समाज करता है। सबसे ज्यादा सांसद और विधायक पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी का है, ये मुझे फक्र है इस बात को बोलने। पिछड़े समाज को आपने दमन करने का काम किया और आज पिछड़े समाज की 27% की वकालत कर रहे। झारखंड की जनता आपके चेहरे को जानती है, काट का हाड़ी मुख्यमंत्री जी बार बार नहीं चढ़ता है। इसलिए दोस्तों बेरोजगारी की तो जो हालत है आप सबको जानते हैं, युवाओं को ठगने का काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात मैंने उल्लेख किया, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री जी? और आपने कहा था कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता आपके घरों में संन्यास ग्रहण करने के समय जो कपड़े का आवरण होता है उसको भेजने का काम करेगी कुछ दिन के बाद। संन्यास ग्रहण करूंगा उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा था। अगर मुख्यमंत्री जी को स्मरण नहीं है तो मैं उनका क्लिप मुख्यमंत्री के आवास में भेजने का भी काम करूंगा। हद हो गई ये सरकार, निर्लज्ज सरकार, निर्दयी सरकार। ये ऐसा राज्य की भारत में सबसे ज्यादा अगर कानून व्यवस्था का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था यहां पर संकट में। मैं कहना चाहता हूं कि आज 3 साल के शासन काल में मात्र 34 महीने के ही रिकॉर्ड है, 2 महीने के रिकॉर्ड को इन्होंने डाला नहीं है, योजना बंद करते हुए षड्यंत्र के तहत डाला नहीं जा रहा है रिकॉर्ड में। 1,78,351 अपराधिक घटने हुए,
178,351 अपराधी घटे, 5,200 लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये हम नहीं कह रहे, रिकॉर्ड कह रहा है मुख्यमंत्री जी, और रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता है। इसका खंडन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, दुनिया का सर्वाधिक हत्या किसी एक राज्य में हो रहा है, वो तो झारखंड में हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो रहा है? 4,527 इस राज्य में फिर से अपहरण उद्योग स्थापित हो रहा है। किडनैपिंग, कई थानों में तो किडनैपिंग के मुकदमे दर्ज ना करने के लिए निर्देश दिए गए। वारे सरकार, कैसी सरकार, जनता को ठगने वाली सरकार। और तो और, हमारी बहनों के साथ, झारखंड की बेटियों के साथ, हमारे इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम यहां पर हुआ है। 5,053 के लगभग 5,000 से ऊपर बहनों के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना घटी है। झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त करेगी क्या? आदिवासी बहनों के साथ जिस प्रकार से घटनाएं घटी, और घटना घटने के बाद उसको कई हिस्सों में काटने का काम किया गया, इससे बड़ा दर्दनाक और शर्मसार करने वाली घटना और क्या हो सकती है? और मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? हम सब लोगों का हृदय आज बहुत ही दुखी है, दबिड़ है, आत्मा रो रही है कि एक सत्ता में बैठे हुए शासक, मुख्यमंत्री, लोकतंत्र कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं तो घटती ही रहती है। अगर आप में थोड़ा भी नैतिकता है मुख्यमंत्री जी, तो जितनी बहनों के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना घटी है, आप फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलाते और अपराधियों को आप सजा दिलवाने का संकल्प लेते। मुख्यमंत्री जी, आपने झारखंड को शर्मसार करने का काम किया। किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के कोई झारखंडी अब अपने आप को झारखंडी बोलने में संकोच करता है। मुख्यमंत्री जी, किसी समय में बिहार में भी यही परिस्थिति आती थी कि हम सब लोग जाते थे तो बिहार के बारे में बिहारी बोलने में कष्ट होता था, जब झारखंड और बिहार एक था। लेकिन आज फिर वो स्थिति आपने खड़ा किया है। मित्रों, और सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटना के, आदिवासी महिलाओं के साथ, पिछड़े समाज की महिलाओं के साथ, दलित समाज की महिलाओं के साथ। और आपने तो हद कर दी संताल परगना में मुख्यमंत्री जी। बांग्लादेशी के अवैध घुसपैठियों को आपने राजनीतिक संरक्षण देने और दिलवाने का काम किया। वहां के डेमोग्राफी परिवर्तन हुआ है, वहां के रोजगार, आर्थिक चीजों में उनका कब्जा हुआ है मुख्यमंत्री जी, और इसका संरक्षण आपके सरकार और आपके मंत्री और विधायक और आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। और इतना ही नहीं करते हैं वहां के घुसपैठी PFI जैसे लोगों को सक्रिय और मजबूत करते, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया जो प्रतिबंध है कि ऐसे संगठन लो भारत में, उनको आप मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से झारखंड को बर्बाद करने का काम मुख्यमंत्री जी आप कर रहे हैं। कैसे चलेगा झारखंड? सर्वधर्म संभव की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता इस पार्टी इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप वोट बैंक के कारण यहाँ के झारखंड के राजनीति को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक चीजों को आप बर्बाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इतिहास के पन्नों में आप इस बात का उल्लेख होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और RJD की सरकार जब जब इस राज्य में बनती है तो दोनों हाथों से लूटने का काम करती है, दोनों हाथों से लूट करके खसोटने का काम करती है। और 3.5 करोड़ जनता आज जिस प्रकार से, चाहे वो
युवा हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, सबकी पीड़ा की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बनी है दोस्तों। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आज आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, इस आरोप पत्र को आप पढ़ करके उसका जवाब देने का जरूर काम करें आप। ये आरोप पत्र मेरा नहीं, 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति है मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी, केंद्र की सरकार की योजनाओं को लटकाने और अटकाने और भटकाने का काम मत कीजिए। जिन जिन योजनाओं को जनहित के लिए, जनता के लिए, मोदी जी की सरकार के द्वारा जो भेजी हुई योजनाएं, उसको जनता तक पहुंचने दीजिए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, मैं गर्भवती प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न भेजने का काम किया, उसको लूटने और लुटवाने मत दीजिए मुख्यमंत्री जी। और मुझे विश्वास है गरीबों का हाय लगेगा, वो हाय सरकार से भस्म हो जाएगी। गरीबों का हाय अगर आप लेंगे तो गरीब का हाय लगेगा दोस्तों। आयुष्मान योजना गरीबों के द्वारा, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, आज क्या हुआ मुख्यमंत्री उसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना बदल दिया गया। और आज आयुष्मान योजना को हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से असफल कर दी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि ये जनता का आरोप पत्र है, इस आरोप पत्र का जवाब झारखंड की जनता चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं फिर भी बार बार कहता हूं, कानून अपना काम कर रही है, उनको अपराध बोध क्यों हो रहा है? उन्होंने कुछ गलत किया है तो अपराध बोध स्वाभाविक है, लेकिन कानून अपना काम करेगी क्योंकि मोदी जी की सरकार है। हाँ, और मोदी जी के सरकार में गरीबों के द्वारा लूटे हुए, प्रकृति के द्वारा दिए हुए प्रदत्त चीजों को कोई लूटेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप पंचायतों के चुनाव को आप देखिए, पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा निर्वाचित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां पर सरकार बनी है। गांव अब जब जग चुका है तो शहर में भी इस बात की अभिलाषा जगी है कि सरकार को एक धक्का और दो। सर, सीएम ने कल कहा कि 4 उपचुनाव हुए हैं वो खारिज हो गए, तो आप लोगों को खारिज कर दी जनता ने, क्योंकि हमने कई सारी योजनाएं जो है जारी की है जो जनता के इसी एक और दूसरा हिस्से का होता है। अभी जो वीडियो आपने चलाया उसमें जो एक शख्स दिख रहे हैं वो शख्स पिछली सरकार में काफी एक्टिव थे, यही आपको पीछे में नहीं रहते हैं, रहते तो मैं हूं यार। देखिए, सच ये है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों नहीं हो, विधायक कोई क्यों ना हो, सांसद कोई ना हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो, सुचिता के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए
जो गलत करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।